तिल वाली बहू। शकुंतला बहुत ही धार्मिक महिला है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। वो कोई भी काम बिना शुभ मुहूर्त के नहीं करती है। शकुंतला अपने बेटे राज की शादी करवाना चाहती है, इसलिए वो पंडित जी के पास राज की कुंडली लेकर जाती है। प्रणाम पंडित जी, मेरा बेटा राज बहुत संस्कारी है, पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों को बहुत निष्ठा से पूर्ण करता है। मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ, इसलिए उसकी कुंडली ले आई हूँ। शकुंतला पंडित जी को कुंडली देते हुए कहती है और पंडित जी कुंडली को ध्यान से देखकर कहते हैं, बेटी, तेरे बेटे का उज्जवल भविष्य है, इसका गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा, परंतु परंतु क्या पंडित जी? परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करानी होगी जिसके गाल पर तिल हो। वो लड़की तुम्हारे घर, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भविष्य के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। तुम्हारा भाग्य केवल उस लड़की के आने से ही जागेगा। जी पंडित जी, मैं ऐसी ही बहू लाऊंगी जिसके गाल पर तिल हो। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। पंडित जी का धन्यवाद करके शकुंतला वहां से चली जाती है। अब वो दिन रात तिल वाली बहू के बारे में सोचती रहती है। शकुंतला अपने बेटे का जहां भी रिश्ता लगाती तो उसकी एक ही शर्त होती कि तिल वाली बहू चाहिए, लेकिन उसे तिल वाली बहू कहीं मिलती ही नहीं। एक दिन अपनी माँ को इस तरह से परेशान देखकर राज कहता है, माँ, आप मेरे लिए तिल वाली लड़की क्यों देख रही हैं? अरे क्योंकि पंडित जी ने बोला है, वो तुम्हारे और इस घर के लिए भाग्यशाली साबित होगी। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, आप मेरी शादी उस लड़की से करा दो ना। उसके गाल पर तिल होगा तभी मैं तुम्हारी शादी उससे कराऊंगी, नहीं तो भूल जाओ उस लड़की को। माँ की बात सुनकर राज को लगा कि माँ उसकी शादी कभी होनी ही नहीं देगी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, माँ है ना, उसके गाल पर तिल है, सच में माँ बहुत प्यारा तिल है। तू सच कह रहा है बेटा? अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवा दे। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ उससे। अगले दिन राज रोशनी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। रोशनी ने सारी बात जानने के बाद कहा, राज, तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? मेरे गाल पर कोई तिल नहीं है। अरे मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था रोशनी, उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो माँ मेरी शादी किसी तिल वाली लड़की से करा देती। माँ से ऐसे झूठ बोलना ठीक नहीं है, माँ को कोई तिल वाली लड़की मिलती ही नहीं, तो माँ अपने आप तुम्हारी शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो जाती। अरे तुम्हें पता नहीं, पंडित जी के मुख से निकली बात मेरी माँ के लिए पत्थर की लकीर है, वो आकाश पाताल एक कर देंगी लेकिन तिल वाली लड़की ढूंढ कर ही रहेंगी। जो भी हो राज, लेकिन माँ को जब कभी सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, और मेरे गाल पर तो तिल है ही नहीं, अब मैं माँ से कैसे मिलूंगी? तुम अपने गाल पर काजल से एक तिल बना लो ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगले दिन रोशनी ने ऐसा ही किया, उसने काजल से गाल पर एक तिल बना लिया। इसके बाद राज ने रोशनी को अपनी माँ से मिलवाया और जब शकुंतला ने रोशनी को ध्यान से देखा तो उसके गाल का तिल देखकर बहुत खुश हो गई और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ ही दिनों में शकुंतला ने राज और रोशनी की शादी बहुत धूमधाम से करा दी। बहू, राज, जल्दी बाहर आओ, एक खुशखबरी है। रोशनी और राज बाहर आते हैं। राज, देखा, मेरी बहू के भाग्य से घर में खुशी आने लगी। जिस जमीन का केस हम पिछले 10 साल से लड़ रहे थे ना, वो केस अब खत्म हो गया है। अभी अभी वकील साहब का फोन आया है, वो केस हम जीत गए हैं। माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है, ये सब आपकी मेहनत का फल है, आपने इस कोर्ट केस के चक्कर में बहुत मेहनत की है। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरी तिल वाली बहू के भाग्य से हो रहा है, पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। शकुंतला रोशनी को बहुत प्यार करती है, लेकिन रोशनी के मन में दुख होता है। वो सोचती है, माँ मेरे झूठ को सच समझ रही है, अगर माँ को ये पता चल गया कि ये तिल नहीं काजल है तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं आज ही राज से बात करूंगी कि वो माँ को सारी सच्चाई बता दे। शाम को राज घर आता है तो रोशनी राज से कहती है, राज, हमें माँ को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, घर में कुछ भी अच्छा होता है तो माँ को लगता है कि सब मेरे गाल के तिल की वजह से हो रहा है। तुम्हारे गाल की तिल की वजह से कुछ नहीं हो रहा,
लेकिन हाँ, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम इस घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो। सब बात ठीक है राज, लेकिन मैं माँ से और झूठ नहीं बोल सकती। मैं कल ही उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं रोशनी, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अभी हमारी शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए। तुम माँ के दिल में अपने लिए थोड़ी और जगह बना लो, उसके बाद में पक्का मैं ही माँ को सब कुछ बता दूंगा। इस तरह से दिन गुजरने लगते हैं और शकुंतला के घर में खुशियों का आना लगा रहता है। शकुंतला अपनी बहू से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन शकुंतला रोशनी के कमरे में गई। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? माँ, मैं बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ। अरे देख तो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी बाहर आ। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो काजल भी नहीं है, अब चेहरे पर क्या लगाऊं? राज, तुमने अच्छा फंसाया मुझे। माँ, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं खुद आपके कमरे में आ जाऊंगी। नहीं बहू, तू जल्दी से निकल कर आ, मैं यहीं बैठी हूँ तेरे कमरे में। जब रोशनी को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी सास कमरे से नहीं जाएगी, तो उसने अपने गीले बाल एक तरफ कर लिए और बालों से अपना आधा चेहरा छुपाकर बाहर आई। बहू, नहा ली तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी और गहने लाई हूँ। आज शाम को बहुत मेहमान आ रहे हैं, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। मेहमान किस लिए आ रहे हैं माँ? अरे तुम्हें राज ने बताया नहीं बहू? हमारी कंपनी इस साल नंबर वन की पोजीशन पर पहुंच गई है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे शाम की बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है। जब शकुंतला रोशनी के कमरे से चली गई, तब उसकी जान में जान आई। शाम को पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। शकुंतला ने अपनी बहू को सबसे मिलवाया और उसकी खूब तारीफ की। पार्टी में सब लोग शकुंतला के सक्सेस का राज पूछ रहे थे, तो शकुंतला अपनी बहू और उसके दिल की तारीफ कर रही थी। एक दिन शकुंतला अपने बहू बेटे के साथ घूमने गई। आज हम घूमने आए हैं तो देखो मौसम भी कितना प्यारा हो गया है, लगता है बारिश आने वाली है। शकुंतला के इतना कहते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। रोशनी और राज कुछ सोच पाते इससे पहले ही रोशनी के गाल पर काजल का तिल बह गया और शकुंतला ने ये सब देख लिया। अब शकुंतला के गुस्से की कोई हद ना रही। तुमने मुझसे झूठ बोला? तेरी इतनी हिम्मत? कल वही मैंने तुझे इतना प्यार किया, तुझे अपने बेटे से ज्यादा ममता दी और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, इसमें रोशनी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही कहा था इसे ऐसा करने के लिए। रोशनी ने कई बार आपको सच्चाई बताने की कोशिश की लेकिन मैंने हर बार उसे रोक दिया। क्या तूने कहा था? क्यों किया तूने ऐसा? कितना बुरा दिन था वो जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई और तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ को धोखा देते हुए? तो माँ मैं और क्या करता, अब तो पीछे ही पड़ गई थी तिल वाली बहू के, आपको कोई लड़की भी तो नहीं मिल रही थी। और मैं रोशनी को बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ तो अब इसी के पास रहे, मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती, ले जा इस झूठी और मनहूस लड़की को मेरे सामने से। माँ, कल तक तो रोशनी बहुत भाग्यवान थी, आज ये मनहूस हो गई। अपनी सोच बदलो माँ, चेहरे के ऊपर तिल होने से कुछ नहीं होता। आपने देखा नहीं, रोशनी के घर आते ही हमारे सारे काम पूरे हो गए, आज हमारी कंपनी नंबर वन है। अब कब अंधविश्वास करना छोड़ोगी? बेटे की इतना समझाने पर माँ को समझ में आ जाता है कि वो गलती कर रही है। शकुंतला अपने बहू बेटे को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन शकुंतला रोशनी के गाल पर काजल से एक तिल बना देती है। राज और रोशनी शकुंतला को बहुत हैरानी से देखते हैं, तब वो कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों, ये तिल नहीं काला टीका है, ताकि मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। शकुंतला की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं।